वही है चार जीड़ों की बना दी यार पूछना बता ना फालतू गलत चल जाए तो 23/2016 को पीड़ित के पिता ने गंज थाने में एक तहरीर रिपोर्ट इस बात की थी कि मेरा 9 वर्ष का बालक जो कि मेरे लिए खाना लेकर आ रहा था मेरे घर से जो गांधी चौक पुराना बकरा मंडी के पास रहने वाला था तो वो उसको एक बंगाली व्यक्ति ने उसको पकड़ लिया और उसको ले आने लग गया तो उसने चिल्लाया चिल्लाने की वजह से क्या हुआ कि काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए और उसके लड़के के जो मामा था वो भी वहाँ आ गया। फिर मामा ने इसके परिवादी को फ़ोन किया परिवादी वहाँ पर आया जब परिवादी ने पकड़ा उसको देखा करा उससे पूछा कि भाई क्या हुआ तो बच्चे ने बताया कि सर 3-4 बार पहले भी लेके गया हुआ था ये और इसको ले जाने के बाद इसके साथ इसने अनैतिक कार्य किया अप्राकृतिक रूप से इसने काम किया। बच्चे ने पूरी बात बताई उसके बाद उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई गई 23/2016 को ही मुझे गिरफ्तार किया गया जिसके अंदर चालान पेश होने के बाद पहुँचने की तरफ से उसके 10 गवाह और 18 दस्तावेज पेश किए गए। आज माननीय न्यायालय तो पॉक्सो कोर्ट के जज साहब श्रीमान राजेश चंद जी गुप्ता द्वारा इसके अंदर जजमेंट देते हुए मुलजिम आलम उर जसीमुद्दीन को 10 साल कारावास और कुल 8,000 रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया गया। आरोपी बंगाली आदमी है ये बंगाल से हटकर रहने वाला था जो यहाँ पर काम करता था ये थानागंज।